हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पान की आइसक्रीम। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम। उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इस क्रीम को 1 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। हमें सिर्फ इसके सॉफ्ट पीक्स बनाने हैं, इसलिए हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे बीट करेंगे। एक मिनट चलाने के बाद हमारे सॉफ्ट पीक्स बनके तैयार हैं। और अब हम पान की आइसक्रीम के लिए अब हम अपनी क्रीम के अंदर 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब हम शुगर को भी आइसक्रीम में पान का फ्लेवर ऐड करने के लिए हम 3 पान के पत्ते इसमें काट कर मिक्सर जार में डाल लेंगे। हमने पान के पत्तों को तोड़कर मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गुलकंद। हमने इसके अंदर गुलकंद ऐड कर दिया है। साथ ही में हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, 1 टेबल स्पून दूध ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लें फाइन। और फिर हम इस पान के मिक्सर को अपनी क्रीम के अंदर ऐड करेंगे। हमारा पान का मिक्सर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अपनी क्रीम के अंदर फोल्ड कर देंगे। अब हम पान के मिक्सर को अपनी क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे और फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू पान के पल्प को अपनी आइसक्रीम के अंदर फोल्ड कर देंगे। हमारी पान की आइसक्रीम फ्रीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब हम अपने मिक्सर को एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और अपनी आइसक्रीम को 6 से 7 घंटे जमाने के लिए रख देंगे। अब हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे कंटेनर में और इसे ढककर फ्रीज़र में 5 से 7 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। हमारी आइसक्रीम पान की बनकर पूरी तरह तैयार है। अब हम इसके स्कूप्स निकाल कर सर्व कर देंगे। हमारी पान आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे मीठी सौंफ से डेकोरेट करके चिल्ड सर्व करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार बनाकर ज़रूर देखें। और आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।